नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। उत्तर प्रदेश की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश चुनाव का ऐलान हो गया है। रामपुर से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के चुनाव मैदान में उतरने की अटकलें तेज हैं। वहीं बसपा ने रामपुर सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में मुकाबला सपा और भाजपा के बीच हो सकता है। हालांकि रामपुर लोकसभा सीट पर किसी दौर में कांग्रेस का भी अच्छा प्रभाव रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आजम खान से पहले इस लोकसभा सीट पर रामपुर नवाब घराने का दबदबा रहा है। 1999 और 1996 में नवाब घराने से ताल्लुक रखने वाली बेगम नूर बानो कांग्रेस के टिकट पर जीती थी। उनसे पहले उनके पति जुल्फीकार अली खान इस सीट से 5 बार जीते थे। दोनों के बेटे नवाब काजिम अली खान बिलासपुर सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। 2009 तक नवाब परिवार इस सीट पर या तो जीतता रहा है, हारा भी है तो मुकाबले में जरूर रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में काजिम अली खान कांग्रेस के टिकट पर रामपुर विधानसभा सीट से मैदान में थे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रामपुर लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें रामपुर, स्वार और चमरौआ सीट मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तीनों सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 50% से ज्यादा है। रामपुर सीट पर 63%, स्वार सीट पर 55% और चमरौआ सीट पर 53% मुस्लिम मतदाता हैं। बिलासपुर सीट पर भी 30% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में ये देखना लाजमी है कि आखिर ये चुनाव कैसा होगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।